हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनकुक, उसकी आज शादी होने वाला है, लेकिन जिससे शादी होगा वो अभी तक नहीं आया। जनकुक के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और जनकुक से कह रहा था, तुम इतने अनलकी क्यों हो, तुम्हारी शादी हर बार टूट क्यों जाता है, ये तुम्हारी 10वीं शादी होने वाला है, ये भी टूटने वाला है क्या, अब तो तुम 20 की भी हो गए हो, तुम्हारी तो शादी हो जाना चाहिए जनकुक, तुम आखिर ऐसे ही अनलकी क्यों हो। आर्य मत जिन, वो जनकुक की शादी पर पहुंच चुका है। मिस्टर जिन को देखकर चौंक गए और कहा, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जिन ने कहा, मेरी बेटी की शादी हो रहा है और तुम लोग यहाँ पर कब आए, तुम लोग तो यहाँ पर नहीं थे ना, तुम लोग तो एयरपोर्ट में थे, वापस कब आए। तो आर्य मत जिन ने कहा, कल ही आया था, यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, एक घर बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट किया हुआ है तो अंदर आकर देखने का मन हुआ। तुम्हारी बेटी की शादी हो रहा है, एक घर तुम्हारा है क्या। मिस्टर जैन ने कहा, कर्जे में है और इसको छुड़ाने के लिए हम उसकी शादी करवाने वाले थे। तो जिन ने कहा, क्या उसकी शादी के साथ कर्जे के क्या ताल्लुक है। तो मिस्टर जैन ने कहा, उसकी शादी होने के बाद हमें पैसे मिलने वाला है। तो आर्यम ने कहा, मैं समझ गया, तुम्हारी बेटी की शादी क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तुम पेशे मत हो, तुम अपनी बेटी को अनलकी मत बोलो, वो इतनी क्यूट जो दिखता है वो अनलकी कैसे हो सकता है, वो सिर्फ 20 का ही है, तुम उसे इतना बिले मत करो, पैसे के लिए अपनी बेटी को दाव पर लगा रहे हो तुम, वो ऐसी किसी इंसान से कैसे शादी कर सकता है। जिन ने कहा, आर्यम जो मैं सोच रहा हूँ क्या तुम भी वही सोच रहे हो। आर्यम ने कहा, कॉल लगाओ। जिन अपनी ट्विन सन को कॉल लगाता है, भी और ते ने फोन उठाया है। तो जिन ने कहा, ते भी कहा है। ते ने कहा, मेरे साथ ही है, हम दोनों ऑफिस की मीटिंग में जाने वाले हैं, क्या हुआ। जिन ने कहा, तुम्हारे डैड और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अभी एक एड्रेस पर आ जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ, भी को दो। भी ने कहा, लेकिन हम दोनों मीटिंग पर जाने वाले हैं, कहाँ पर आना है और क्यों आना है। जिन ने कहा, वो तुम लोग का आने के बाद पता चल जाएगा, जल्दी से आ जाओ, वरना तुम्हारे डैड और मैं गुस्सा हो जाएंगे, और तुम दोनों को तो पता ही है। जनकुक को समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या होने वाला है, जिन और आर्यम क्या चाहता है और किसको बुला रहा है। जैसे भी और ते आ जाता है, भी और ते को देखकर जनकुक बस देखते रह गया। दोनों एक ही जैसा दिखता है और दोनों ही हैंडसम है और बहुत ही डैशिंग लग रहा था। भी और ते को देखकर कोई नहीं कह सकता है कि दोनों अलग अलग इंसान हैं, दोनों को एक ही इंसान लग रहा था। दोनों एक ही कपड़े पहने हुए थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। दोनों को देखकर जनकुक की आंखें बहुत ही चमक रहा था, जनकुक बस उन दोनों को ही देखे जा रहा था। लेकिन भी और ते को समझ में नहीं आ रहा था, दोनों को यहाँ पर क्यों बुलाया है, यहाँ पर तो शादी हो रहा है, लेकिन किसकी शादी, और अगर शादी में बुलाना था तो पहले क्यों नहीं कहा, इस तरह से अचानक क्यों बुलाया है, वो भी मीटिंग के टाइम पर। आर्यन ने कहा, भी ते चलो यहाँ पर आ जाओ, और जनकुक से शादी करना है तुम दोनों को। भी और ते ने कहा, क्या शादी और हम दोनों को करना होगा, लेकिन क्यों। जिन ने कहा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं तुम दोनों में से कोई एक जनकुक से शादी करो, हम दोनों चाहते हैं कि तुम दोनों ही उससे शादी करो, क्योंकि हमें पता है तुम दोनों की आदतें एक ही जैसा है और दोनों एक ही हरकतें करते हो, दोनों को एक ही चीज पसंद आता है और तुम दोनों को जनकुक पसंद आ जाएगा, हमें पूरा यकीन है, इसलिए तुम दोनों को जनकुक से शादी करना होगा। क्यों जनकुक, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। जनकुक कुछ नहीं बोलता है। जिन ने कहा, उसकी आंखें देखकर मैं समझ गया, उसने भी और ते को पसंद कर लिया। क्यों मिस्टर जोन, जनकुक की शादी ते और भी से होंगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो मिस्टर जोन ने कहा, लेकिन मुझे पैसे। तो आर्यन ने कहा, इसकी फिक्र मत कीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा, आपने तो जनकुक को पैसे की पिटारा समझ कर रखा है कि उसे शादी करेंगे और आपको पैसे मिल जाएगा, इतना लालची मत बनिए, आपको हम अच्छी तरह से जानते हैं, आप पैसे के लिए इतना नीचे गिर जाओगे, ये नहीं जानते थे। मिस्टर जिन ने कहा, मिस्टर की मैं आपको गलत प्रेमी हो रहा है, वो तो मेरी मजबूरी है। तो जिन ने कहा, कोई बात नहीं, अब तो हम समधी बन गए है ना। भी और ते ने अपने पेरेंट्स आर्यमत जिन की बात सुनकर जनकुक से शादी तो कर लिया, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को देख कर स्माइल करता है और दोनों जनकुक को लेकर अपने घर आ जाता है। जनकुक ने भी और ते से शादी तो कर लिया था, लेकिन अब उसको डर लग रहा था, ट्विन ब्रदर है, दोनों की आदत भी एक ही है और दोनों अगर साथ में ही जनकुक के साथ तो जनकुक क्या करेगा, जनकुक कैसे संभालेगा दो इंसान को। जहाँ पर जनकुक की टेंशन इस बात से हो रहा था कि उसने ट्विन ब्रदर से शादी किया है, लेकिन जनकुक को ये तो पता ही नहीं है कि वो ट्विन ब्रदर माफिया किंग है। जनकुक को जैसे ही पता चलेगा उसके तो पैर तले जमीन ही खींच जाएगा, या फिर जनकुक को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये तो आगे ही देखा जाएगा। जनकुक
वो बेड पर बैठकर ते और भी का इंतजार कर रहे थे। ते और भी जैसे दरवाजा खुलकर अंदर आता है, जनकू के दिल में हलचल हो रहा था। वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है और ते और भी दोनों ही जनकू को देखे जा रहा था। दोनों एक दूसरे को देख कर स्मेल करता है और जनकू के पास आकर दोनों दो तरफ बैठ जाता है। जनकू से कहता है, क्या हुआ, तुमने अपनी आईज क्लोज करके क्यों रखा है, क्या हम हैंडसम नहीं है, हमें देखने का मन नहीं हो रहा तुम्हें। जनकू ने अपनी आईज को बहुत ही सोलोली ओपन किया, उसके बाद भी और ते को देखा। जनकू को समझ में नहीं आ रहा था किसको छोड़कर किसको देखे। दोनों दो साइड पर बैठा हुआ था। जनकू एक पल भी को देख रहा था, दूसरी पल ते को देख रहा था। जनकू की आंखें तो चमक गए थे। जनकू ने खुश होते कहा, तुम दोनों मेरे हस्बैंड हो, तो क्या मैं तुम दोनों से एक बात पूछ सकता हूँ। भी और ते साथ में ही बोल उठते हैं, हाँ पूछ सकते हो, क्या पूछना है तुम्हें। जनकू ने कहा, तुम दोनों एक ही साथ सब कुछ करते हो क्या। भी और ते ने कहा, लगभग एक ही साथ सब कुछ करते हैं, हमारी आदत है। क्यों, तुमने क्यों पूछा। जनकू ने कहा, तुम दोनों ऐसे बातें कर रहे हो जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं हेडफोन दोनों कान पर लगाकर एक ही बात सुन रहा हो। भी और ते ने कहा, ये तो अच्छी बात है ना, तुम चाहकर भी हम दोनों की बातों को इग्नोर नहीं कर सकते हो, तो तुम क्या पूछना चाह रहे थे। जनकू ने कहा, तुम दोनों में से आज रात को मैं सब कौन सोने वाला है। जनकू की बात सुनकर भी और ते एक दूसरे को देखता है और दोनों डेविल स्मेल करता है, जिसको देखकर जनकू को बहुत ही घबराहट हो रहा था। जनकू ने कहा, क्या हुआ, तुम दोनों कुछ कहते क्यों नहीं। भी और ते जनकू को बेड पर धकेल देता है और दोनों ही दोनों तरफ से जनकू को बहुत ही टाइटली पकड़ लिया। भी और ते जनकू के दोनों यहाँ पर जाकर दोनों साइड से कहता है, क्यों, अब तक तुम्हें समझ में नहीं आया क्या। जनकू ने कहा, मैं समझा नहीं, तुम दोनों क्या करने वाले हो। भी और ते ने कहा, अभी समझ जाओगे। उसके बाद भी और ते दोनों तरफ से जनकू को किस करने लगा और उसके बाद एक एक करके उसके साथ इंटीमेट होने लग गए। भी और ते एक दूसरे को देखकर स्मार करता है। जनकू अंदर से बहुत ही डर रहा था भी और ते को इस तरह से देखकर। जनकू को बहुत ही घबराहट हो रहा था, अब वो क्या करेगा, इन दोनों हस्बैंड तो जनकू की जान ही ले लेगा। जनकू ने कहा, एक काम था क्या, दोनों मुझे खाने वाला है। जनकू की आंखों में आंसू आ जाता है ये सोचकर कि उसकी शादी इन दोनों से क्यों हुआ है, वो लोग उससे शादी करने नहीं आया था। तो जनकू को बहुत ही बुरा लगता था कि सब लोग जनकू को अनलकी कहते थे, लेकिन अब जब भी और तीनों से शादी किया वो बहुत ही खुश हो गया था कि उसको एक ही साथ दो हस्बैंड मिल गया। लेकिन जब दोनों हस्बैंड उसके साथ इंटीमेट हो रहे थे, तब जाकर जनकू को होश आया कि दो हस्बैंड होने का मतलब क्या है। सुबह होने पर जनकू की नींद टूटता है और जनकू जैसे अपने आईज ओपन करता है, वो अपने दोनों तरफ अपने हस्बैंड को देखकर वो चौंक जाता है कि कल रात को क्या हुआ था। उसके बाद भी और ती वो दोनों जनकू की फोरहेड पे किस करते गुड मॉर्निंग विश करता है। जनकू वो जैसे उठकर बीच में से आने वाला था, जनकू ने देखा कि वो निकेट है और उसके हस्बैंड भी निकेट है। जनकू को बहुत ही शाई फील हो रहा था। जनकू ने अपने हाथों से फेस को कवर कर लिया। भी और ते जनकू को गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर जाते हैं और दोनों ही जनकू के साथ इंटीमेट होने के बाद तीनों रेडी होकर नीचे आ जाता है। जनकू वो अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा था। जिन और आर्यम जनकू को देख कर ही समझ गया था कि भी और ते क्या कर सकता है। जिन ने कहा, आर्यम लगता है हम बहुत ही जल्दी ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं, हमें तो लगा था भी और ते जनकू को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन नहीं, हमारा सन तो बहुत ही खुश है जनकू के साथ। क्यों जनकू, मैंने सही कहा ना। जनकू ने कहा, वो मैं भी और ते जनकू की दोनों साइड पर आकर बैठ जाते हैं और कहता है, इतना शाही क्यों हो रहे हो तुम, हम हस्बैंड हैं, तुम इतना शाही नहीं होना चाहिए। वैसे भी शादी के फर्स्ट नाइट पर ये सब कुछ सबके साथ ही होता है, तुम्हें इतना शाही फील करने की क्या जरूरत है। उसके बाद भी और ते जनकू को दवाई देते हुए कहा, ब्रेकफास्ट करने के बाद इसको खा लेना, तुम ठीक हो जाओगे, वैसे भी आज रात को भी तुम्हें इसके लिए तैयार होना होगा। जिन और आर्यम ने कहा भी और ते तुम दोनों इतनी बेसब्र मत बनो, हमें पता है कि तुम दोनों से कोई भी शादी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों जनकू को खा जाओगे, समझ गए। जनकू के इंसान है, इंसान की तरह बिहेव करो, उसकी हालत देखकर लग रहा है वो आज रात को तुम दोनों को झेल नहीं पाएगा। भी और ते ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, आपको ग्रैंड पेरेंट्स भी तो बनाना है ना। जिन और आर्यम मुस्कुराता है। भी और ते ने कहा, आप लोग बेफिक्र हो जाइए, हम दोनों संभाल लेंगे। क्यों जनकू, तुम इतने भी वीक नहीं हो सकते हो ना, तुम तो बहुत ही ब्रेव हो। उसके बाद भी और ते अपने हाथों से जनकू को खाना खिलाते हुए कहा, पेट भर के खाना खाओ ताकि तुम बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्ट्रांग रहो, क्योंकि तुम्हें हम दोनों को झेलना जो है हर किसी की बात में नहीं, हम दोनों के झेलना, तुम समझ सकते हो हमें, इसका मतलब तुम ही हमारे लिए परफेक्ट हो।
ऊपर से हम तीनों की जोड़ी बनकर आया है, टाइम को स्किप करते हैं। ऐसे ही दिन जंगकुक सुबह को सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, अचानक उसके सर घूमने लगा और वो नीचे गिरने वाला था। बी और ती दौड़ कर जाते हैं, जंगकुक को पकड़ लेता है और कहता है, क्या हुआ बीबी, तुम गिरने क्यों वाले थे? तुम इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, तुम्हारा इतना ध्यान रखते हैं, उसके बाद भी तुम नीचे क्यों गिरने वाले थे? बताओ मुझे, क्या डॉक्टर को बुलाओ? बी डॉक्टर को बुलाने लगा था। ती ने कहा, भी जल्दी करो। बी ने कहा, अभी आ रहा है। तो ती ने कहा, भी देखो अगर डॉक्टर नहीं आ सकता है तो हमें उसको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। उसको गोद में उठाने लगा। जिन ने कहा, रुको क्या कर रहे हो तुम दोनों, लगता है जंगकुक प्रेग्नेंट है। भी तुमने डॉक्टर को बुला लिया है ना? कंफर्म कर लेते हैं, जैसे डॉक्टर आ जाएगा हमें पता चल जाएगा। डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर ने जंगकुक को चेक करने के बाद कहा, कंग्रेचुलेशन जंगकुक प्रेग्नेंट है। भी और ती बहुत ही खुश हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के गले लग जाता है। उसके बाद भी और ती दोनों दौड़ कर जंगकुक को किस करने लगता है। डॉक्टर ने कहा, बस कीजिए, आप दोनों अगर ऐसे उस पर टूट पारोगे तो ये बच्चे के लिए बहुत ही हार्मफुल है, आप दोनों संभाल कर रहना, और जंगकुक तुम अपना ध्यान रखना खाने पीने का भी, ठीक है? जंगकुक ने मुस्कुराया, वो बहुत ही खुश था कि वो फाइनली प्रेग्नेंट है और वो बीबी को जन्म देने वाला है। अपने ट्विन हस्बैंड को खुश होते देखकर, अपने ससुराल वाले को खुश होते देखकर, अपने मॉम डैड को खुश होते देखकर जंगकुक भी बहुत ही खुश हो रहा था। लेकिन जैसे ही कुछ दिनों बाद जंगकुक को पता चला कि जंगकुक भी ट्विन बेबी को ही जन्म देने वाला है, जंगकुक ने कहा, फिर से ट्विन? अब तो मुझे अपने हस्बैंड के साथ साथ अपने बच्चे को भी संभालना होगा, एक ही साथ मैं दोनों बच्चों को कैसे संभालूंगा? भी और ती तो बहुत ही खुश था, दोनों की तरह अब ट्विन बेबी आने वाला है, वो दोनों जल्दी से डैड बन जाएगा, वो भी ट्विन बेबी की। भी और ती एक दूसरे को देखकर स्माइल करता है और इसके बाद एक दूसरे को देखकर एक ही साथ बोल उठते हैं, माफिया सन। जंगकुक ने कहा, क्या मैंने गलत तो नहीं सुना है, वो दोनों क्या बोल रहा है? आर्यन भी और ते के गले लगते हुए कहा, किसने कहा कि मेरे ट्विन माफिया सन जो है वो दोनों डैड नहीं बन सकता है? जिन तुमने देखा ना, भी और ते भी फादर बनने वाला है, मैं तो बहुत खुश हूँ। माफिया के बारे में सुनकर ही जंगकुक अपने सर पकड़ कर नीचे गिर जाता है। भी और ते डॉक्टर को फिर से बुलाता है। डॉक्टर ने जंगकुक को चेक करने के बाद कहा, अभी तो वो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ही होता रहा तो वो उसकी बेबी को जन्म नहीं दे पाएगा, उसके लिए बेबी को ना जन्म देना ही ठीक होगा, उसकी हेल्थ के लिए ये ठीक नहीं है। भी और ती ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हम दोनों को फादर बनना है, चाहे जंगकुक अपना ध्यान रखे या ना रखे, हम दोनों को उसका ध्यान रखना होगा ताकि वो बच्चे को जन्म दे सके, आके हमारे खून को आगे बढ़ाना होगा। भी और ती एक दूसरे को देखकर कहता है। जंगकुक उन दोनों की हरकतों को देखकर उसको और भी घबराहट होने लगा, लेकिन भी और ती जंगकुक की बहुत ही अच्छी तरह से केयर कर रहा था। जंगकुक की दोनों की केयर देखकर और उसकी तरफ इतना लगाव देखकर जंगकुक को उन दोनों से प्यार हो रहा था, जबकि वो उन दोनों की माफिया के बारे में सुनकर ही डर गया था। उन दोनों को हेट करना चाहता है, उन दोनों से दूर जाना चाहता है, लेकिन अब जंगकुक उन दोनों के और भी नजदीक आ रहा था। जंगकुक ने कहा, भी ते मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। भी और ते ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, आज तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? जंगकुक ने कहा, भी ते मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बेबी को जन्म देने के बाद मैं खुद इस दुनिया में नहीं रहूंगा। भी और ती ने जंगकुक की लिप पर फिंगर रखते हुए कहा, ऐसा मत कहो, तुम्हारे बिना बेबीज को लेकर क्या करेंगे? हाँ हमें डैड बनना है, लेकिन तुम्हें छोड़कर नहीं, तुम्हें भी हमारे साथ रहना होगा, समझ गए? तुम ही हो जो हमें डैड बना रहे हो, तो तुम्हें इस तरह से हम खोने नहीं देंगे। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर बेबीज को जन्म देने के टाइम पर तुम्हें कुछ हो गया तो इस दुनिया की शक्ल ही बदल देंगे। जंगकुक ने कहा, प्लीज ऐसा मत करना, जो किस्मत में है वो ही होगा, तुम दोनों बस बेबीज का ध्यान रखना। भी और ती जंगकुक की फोरहेड पे किसकाते कहा, माय लव तुम्हें कुछ नहीं होगा। टाइम को स्किप करते हुए जंगकुक अपने बच्चों के साथ खेल रहा था, उसकी भी ट्विन सन हुआ है, एक का नाम है अरहान और एक का नाम है आहान। जंगकुक ने कहा, अरहान और आहान तुम दोनों क्या कर रहे हो? दौड़ो मत वरना नीचे गिर जाओगे, तुम दोनों बस 3 ही साल के हो, अगर इतना दौड़ोगे ना तुम्हें दोनों को चोट लग जाएगा, तुम दोनों की माफिया डेड्स आने ही वाला है। भी और ती आ जाते हैं और आहान को पकड़ लेता है और कहता है, कोई हमें याद कर रहा था क्या? जंगकुक दोनों को देखकर स्मेल करता है। भी और ती जंगकुक के गले लगते हुए कहा, हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया। जंगकुक ने कहा, तुम दोनों को कैसे पता कि मैं तुम दोनों को याद कर रहा था और मिस कर रहा था? भी और ती ने कहा, तुम्हारी आंखें देखकर ही समझ गया तुम हम दोनों से इतना प्यार जो करते हो। जंगकुक ने कहा, लगता है तुम दोनों मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम दोनों बस अरहान और आहान से ही प्यार करते हो। भी और ती ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो ठीक है हम तुम्हें भरोसा दिलवाते हैं। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो?
बिया तेने अरहन और आहन को जिना आलिम के पास छोड़ दिया और जनको को रूम में लेकर आ गया, दरवाजा बंद कर दिया। जनको ने कहा, बिया ते तुम दोनों क्या कर रहे हो? बिया ते ने कहा, अरहन और आहन जो है वो 3 साल का हो चुका है, अब हमें एक डॉटर चाहिए, वो भी ट्विन डॉटर हो तो भी चलेगा। जनको, चलो इसके लिए तैयार हो जाओ। जनको ने कहा, प्लीज ऐसा मत करना, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। बिया ते ने कहा, तैयार तो तुम हो, तुम्हें देखकर ही लग रहा है, तुम बहुत ही एंजॉय कर रहे हो हम दोनों को, है ना? तुम पहले बहुत ही डरते थे लेकिन अब तुम हमसे डरती नहीं हो। जिनको ने कहा, क्योंकि अब मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ तो मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि मुझे तुम दोनों की आदत हो गया है और मुझे पता है मेरे हस्बैंड जो है माफियाज है लेकिन दिल के बहुत ही अच्छे है। बिया ते ने कहा, ऐसा है क्या? तब तो तुम्हें हम दोनों को नहीं रोकना चाहिए। जनको ये कहने के बाद बिया ते जो है जनको को बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। दोनों दो तरफ से जनको को किस कर रहा था और उसे कह रहा था, इस बार हमें डॉटर चाहिए, समझ गया ना तुम? जनको ने कहा, तुम दोनों मुझसे क्या कह रहे हो? मुझे थोड़ी पता है कि इस बार क्या होने वाला है। तुम दोनों भी ना, भी और तीन जनको को देखकर स्मर करते कहा, अगर इस बार डॉटर नहीं हुआ तो फिर से कोशिश करेंगे। क्यों? जनको ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं इतना नहीं झेल सकता हूँ, पहले से तुम दोनों को संभाल रहा, ऊपर से ट्विन सन भी हो गया है, अब उन दोनों को भी झेलना पड़ रहा है यानी संभालना पड़ रहा है, और अगर ऊपर से और ट्विन या फिर और 2-3 बच्चे हो जाएंगे मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। तुम दोनों मुझ पर रहम नहीं कर सकते हो क्या? बिया तेने स्माइल करते कहा, बिल्कुल भी नहीं। ये कहने के बाद जनको को किस करते हुए उसके साथ इंटीमेट होने लगा। जिन और आलिम जनको को नीचे आते हुए देखकर कहता है, क्या हुआ, अब फिर से तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? जनको ने कहा, वो तो बिया तेने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप लोग को पोता तो मिल गया है, पोती नहीं चाहिए क्या? जिन और आलिम ते और भी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों बिना क्या क्या करते हो? जनको को इतना पेशेंट क्यों करते हो तुम दोनों? देखो वो इतना नहीं झेल पाएगा। भी और तेर ने कहा, ऐसा आप दोनों को लगता है, हम दोनों को नहीं, क्योंकि हम दोनों को पता है जनको कितना स्ट्रांग है, अगर वो हम दोनों को झेल सकता है इसका मतलब वो कुछ भी झेल सकता है। क्यों, मैंने सही कहा ना? जनको बहुत ही शाय हो जाता है। टाइम को स्किप करते हैं। ऐसे एक दिन जनको खाना खा रहा था और उसके सर बहुत ही भारी सा लग रहा था, उसको कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था, तो जिन समझ आता है कि जनको प्रेगनेंट है, फिर भी डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर ने कंफर्म करते हुए कहा, जनको प्रेगनेंट है, और ऐसे ही सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। सभी लोग यही उम्मीदें कर रहा था इस बार डॉटर होगा। कुछ ही महीने बाद डॉक्टर ने कंफर्म करते हुए कहा, जनको लड़की को ही जन्म देने वाला है, वो भी ट्विन होने वाला है। ऐसे उनका ही बी और ते खुश हो जाता है, और जिन और आयन तो बहुत खुश था, लेकिन जनको को डर लग रहा था कि फिर से ट्विन डॉटर को जन्म देने वाला है। जनको साथ ही साथ खुश भी हो रहे थे लेकिन उसको टेंशन भी हो रहा था। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।